अस्सलामुअलैकुम मोहम्मद नदीम, नदीम ब्रदर से पाकिस्तान से। ये हमारे पास एक 385 आया है, अभी आपको ये दिखाते हैं ये कितने घंटे चला हुआ है। ये देखें, ये सिर्फ सिर्फ 114 घंटे चला है। ये ट्रैक्टर सेकंड सर्विस के लिए आया है, 100 घंटे वाले तेल चेंज करने के लिए, और इसमें हुआ क्या आपको दिखाते हैं। ये देखें इसका एयर क्लीनर, ये एयर क्लीनर का आप ऊपर वाली जाली की कंडीशन देख सकते हैं, और ये नीचे वाली जाली की कंडीशन देखें, ये आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी मैल से और गंद से और राख से भरी हुई है। इसमें इन्होंने कुछ 15 एकड़ रोटावेटर चलाया है इस एयर क्लीनर के साथ, और इसके तेल की कंडीशन आपको दिखाते हैं। ज़रा तेल में उंगली लगाएं जी, ज़रा ये देखें, ये देखें तेल में क्या है, तेल नहीं है बल्कि ये तेल ग्रीस बन गया है। इसका ये कंडीशन है तेल में, और इस पोजीशन पे अगर आप इंजन अपना इंजन चलाएंगे, अभी मैं आपको इस ऑपरेटर से भी बात करवाता हूँ। ये देखें अंदर भी ये सारा मिट्टी से भरा पड़ा है, ये देखें मिट्टी से भरा हुआ है, इसलिए ये सारा एयर क्लीनर खोल के हम वॉश करने लगे जी। आपने इससे क्या काम लिया जी ट्रैक्टर से? ये कितने एकड़ को रोटावेटर मारा है? 15 एकड़ को रोटावेटर मारा, और इसमें एयर क्लीनर कितनी बार ऊपर से साफ किया है? डेली करते हैं, डेली ये करते हैं, लेकिन इन्होंने डबल एयर क्लीनर नहीं लगाया। तो ये आप ये एयर क्लीनर की पोजीशन देख सकते हैं। अब देखिए, लोग क्लेम करते हैं कि ट्रैक्टर बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं, लेकिन एयर क्लीनर में जब इस तरह की डस्ट जाएगी तो गाड़ियां तो खराब होंगी। ये कुछ जिम्मेवारी कंपनी के अलावा ऑपरेटरों की भी है कि वो अपने एयर क्लीनर को डेली वॉश करें, उनका एयर क्लीनर का तेल चेंज करें, और इसके अलावा अगर हो सकता है तो इसमें डबल एयर क्लीनर लगाएं ताकि इतनी डस्ट इसके अंदर जाए ही ना। और अभी जाली रख के भी हम आपको दिखाएंगे, इसमें एक मसला और भी होगा। ये जाली इसमें रखेंगे, ये देखें, अभी आपको एक चीज़ और भी दिखाते हैं, आपको एक चीज़ मैं और भी दिखाने लगा हूँ। ये देखें जाली और ये जो सेंटर वाला पाइप है इसके दरमियान, ये देखें जाली पाइप थोड़ा सा छोटा भी है और इसमें स्पेस भी है। अभी आपको फिलर गेज के साथ चेक कराते हैं। ये हम जाली और इसके पाइप के दरमियान ये लगाएं जी, ये ज़रा एक हाथ दूसरी तरफ करें, हाँ हाथ ऐसे रखेंगे, ये देखें जाली और पाइप के दरमियान इतना गैप है कि इसमें ये कोई 1 मिलीमीटर का ये जो गत्ता है ना, ये भी इसके अंदर जा रहा है, यानी कि यहाँ से भी हवा ऊपर जा रही है। ये अच्छा खासा स्पेस है, एक तो पाइप छोटा है, एक इसमें ये स्पेस भी है, जिसकी वजह से ये नई गाड़ियाँ ही डस्ट जाने की वजह से इंजनों की लाइफ कम हो रही है। ये एक वाल्ट तो मैन्युफैक्चर है, लेकिन उससे बड़ा वाल्ट ये ऑपरेटिंग का है जो इसको साफ नहीं करते। और हमारी ये इंफॉर्मेशन वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इलम फलाना सदका जारिया है, इस इलम फलाने में आप नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग का साथ दें। अल्लाह हाफिज़। हमारा अदारा नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग बहुत सालों से बच्चों को काम सिखा रहा है, और माशाल्लाह से हमारे अदारे से सीखे हुए बच्चे आज पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लाखों रुपया कमा रहे हैं। जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह कई कई लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे इलम को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाया जाए। जिस किसी का अजीज़ रिश्तेदार दोस्त कोई बच्चा काम सीखना चाहता है, वो गरीब है मुस्तहिक है, तो उन बच्चों को काइंडली हमें रेफ़र करें ताकि हम उन बच्चों को काम सिखाएं। और इनमें बच्चों को हम महाना वजीफ़ा भी देते हैं, राइश भी देते हैं, खाना भी देते हैं, और हमारी अल्लाह करीम इस कोशिश को कबूल फरमाए। और आप इस भी कार्य खैर में हिस्सा डालें। आप किस तरह हिस्सा डालेंगे? आप ऐसे लोगों को जो बच्चे काम सीखना चाहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ वर्कशॉपों में बच्चे काम करते हैं, इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, लेकिन उनको काम करने की स्किल नहीं होती, तो ऐसे बच्चों को हमें रेफ़र करें जो काम सीखना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे निकलना चाहते हैं।
वो हमारे अदारे को ज्वाइन करें और हमसे तजर्बा सीखें और अपने लिए और अपने वालदेन के लिए इस इलम को सीखें और हमारे लिए भी वो बेहतरी का बायस बनेंगे इस दुनिया में भी और आखरत में भी। अल्लाह हाफिज़।